नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं शायान। आज हम बनाएंगे दाल चावल। दाल चावल को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उसमें शामिल हैं: मूंग मसूर की दाल 250 ग्राम यानी एक पाव, बासमती चावल 500 ग्राम यानी आधा किलो, ऑयल आधा कप, एक बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ, दो दरमियाने प्याज चॉप किए हुए, एक टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 7 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई, मसाले नमक हसबे जायका, लाल मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1 चुटकी, पानी हसबे जरूरत। बनाने का तरीका: दाल और चावल को पहले से भिगो लें, दाल को कम से कम आधा घंटा और चावलों को कम से कम 1 घंटा। अब एक पतीले में ऑयल गरम करें और उसमें प्याज को लाइट गोल्डन कर लें, फिर 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड करके उसको सौते करें, फिर उसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें और टमाटर को ऐड करके पका लें, फिर उसमें तमाम मसाले ऐड करके मसालों को अच्छे तरीके से भून लें, फिर उसमें भीगी हुई दाल को ऐड करें, साथ ही साथ 2 ग्लास पानी ऐड करें और जब तक दाल गल ना जाए उसको अच्छी तरीके से पकाएं। दूसरी तरफ चावलों के लिए एक पतीला लें, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके 1 टीस्पून जीरे को भून लें, फिर उसमें भीगे हुए चावल ऐड करके 4 कप पानी डालें और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून नमक शामिल करके चावलों को अच्छे तरीके से उबाल लें। आपके दाल और चावल रेडी हैं। दाल और चावल को किसी भी बाउल और डिश में निकाल कर सर्व करें और किसी भी मजेदार चटनी के साथ इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अब आपसे अगली रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।